बावड़ी गाइस देख सकते हो, यही वो बावड़ी है जो यहाँ नीमराणा, राजस्थान के नीमराणा में स्थित है। इस बावड़ी के अंदर से एक रहस्यमय सुरंग जाती है जो यहाँ के महल के बिल्कुल 1.5 किलोमीटर दूरी पर इसका यहाँ का महल है, वहाँ के लिए सुरंग जाती है। और यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो यहाँ स्नान किया करने के लिए आया करते थे। और इस बावड़ी में कई रहस्य छुपे हुए हैं, सामने आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ये वही प्राचीन कुआ है जिसकी मदद से यहाँ पर पानी रहता है और इसके बगल से ही वो सुरंग गई हुई है जो इस बावड़ी के रहस्य को और ज़्यादा खौफनाक बनाती है। और इसके ऊपर आप लोग नज़र डालोगे एक बार तो काफ़ी विशाल आप लोगों को इस बावड़ी की गहराई देखने को मिलेगी। अब चलते हैं वीडियो को आगे दिखाते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्लॉग संजय ब्लॉग में। आज आप लोगों के लिए इस सफ़र में हम आज पहुंचे हैं राजस्थान। ये हमारे राजस्थान की फर्स्ट वीडियो है और इसके मध्य प्रदेश से जो दूरी है इस बावड़ी की, जो बावड़ी है मध्य प्रदेश से, इसकी दूरी 670 किलोमीटर के आसपास है। और मैं चलकर आया हूँ मध्य प्रदेश से राजस्थान के अलवर ज़िले के नीमराणा क्षेत्र में। यहाँ पर एक नीमराणा गांव है जो जहाँ पर ये बावड़ी बनी हुई है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो ये काफ़ी रहस्यमय और ऐतिहासिक बावड़ी है। इसका निर्माण यहाँ के जो राजा थे, राजा टोडरमल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो उन्होंने इसका निर्माण पूर्ण रूप से नहीं करवा पाया था, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर राजा मान सिंह जो थे उन्होंने इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया था। जो कि ये बावड़ी अपने आप में रहस्यमय बावड़ी है और ऐतिहासिक बावड़ी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ इस बावड़ी में कई रहस्य छुपे हुए हैं जिसकी हम इसके अंदर चलकर करेंगे जांच पड़ताल। और आपको मैं दिखाता हूं आगे चल के इस बावड़ी के बारे में। और मैं यहां पर बता दूं आपको, जो आप लोग देख रहे हो यहां से, काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ी बावड़ी है जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इसकी सीढ़ियों की बात करें, यहाँ से आप एक बार देख सकते हो, इसमें तकरीबन 130 सीढ़ियों के आसपास है। और ये जो 9 मंजिल गहरी बावड़ी है, तकरीबन 100 फुट से ज़्यादा है इसकी गहराई। अब हम चलते हैं, पहले इसके आप लोगों को जो कक्ष बने हुए हैं ऊपर के वो कक्ष दिखा दूँ, फिर आप लोगों को बावड़ी के अंदर लेके चलेंगे और इस बावड़ी के रहस्य से रूबरू कराएंगे। तो जैसा कि गाइस आप लोग पिलर वगैरह देख रहे हुए, कुछ समय पहले यहाँ पर बताते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने हमें बताया है कि जो ये पिलर वगैरह अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने इसकी मरम्मत करवाई है। जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर पर्यटकों के देखते हुए, उनकी दृष्टि से कि यहाँ पर पर्यटक का आना ज़्यादा लगा रहता है, तो पहले यहाँ पर जो राजस्थान में बलुआ मिट्टी होती है, जो रेतीला होता है राजस्थान जैसा कि, तो यहाँ पर मिट्टी वगैरह ज़्यादा उड़ती रहती थी। तो यहाँ पर यहाँ के पुरातत्व विभाग ने इसकी मरम्मत वगैरह करवा के यहाँ पर काफ़ी शानदार इसकी बाउंड्री वॉल और यहाँ पर काम करवाया है। तो अब हम चलते हैं आगे और आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं यहाँ के जो छोटे कक्ष बने हुए हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर राजस्थानी जो डिज़ाइन है, राजस्थानी शैली है, आप लोगों को देखने को मिल जाएगी ऊपर तक। ये जो मेहराव बने हुए हैं छोटे छोटे, यहाँ पर ये छोटे छोटे कक्ष बने हैं। यहाँ पर जो सैनिक होंगे यहाँ के वो तैनात रहा करते होंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से आप लोग देख सकते हो, इसके ऊपर जाने के लिए रास्ता था जो फ़िलहाल अभी बंद है और यहाँ पर गवर्नमेंट ने ताला लगा दिया है, क्योंकि ये जो बावड़ी है काफ़ी ज़्यादा गहरी होने की वजह से यहाँ पर दुर्घटना घटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस वजह से उनको बंद कर दिया है। और इन कक्षों को आप लोग देख सकते हो, एक बार अंदर चलते हैं, इनके जो ये छोटे छोटे कक्ष बने हैं इनको आप देख सकते हो। यहाँ ऊपर नज़र डालोगे तो ये जो राजस्थानी जो पत्थर है, इसमें जो अरावली पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, उसमें एक काला पत्थर निकलता है जो इसके ऊपर लगा हुआ है छत के, सिलेटी पत्थर इसको बोलते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी पुरातत्व विभाग ने इसकी मरम्मत वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से करवा दी गई है और जो यहाँ पर आले वगैरह बने हुए हैं उनको भी काफ़ी अच्छी तरीके से उनको मरम्मत कर दिया है। तो अब हम चलेंगे इसके आगे और आप लोगों को और आगे चल के यहाँ के रहस्य से कराते हैं रूबरू। एक बार यहाँ पर आप नज़र डालोगे इस बाउंड्री वॉल पर, जो काफ़ी बड़ी और विशाल बाउंड्री वॉल बनी हुई है, जो यहाँ की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उन्हीं के पत्थरों की मदद से ये बाउंड्री वॉल बनाई गई है। और यहाँ से एक बार आप सामने सीधे नज़र डालोगे तो काफ़ी ज़्यादा विशाल ये बावड़ी का दृश्य हमें देखने को मिलता है, जो कि ये एक अपने आप में ऐतिहासिक और रहस्यमय बावड़ी है। और यहाँ से एक बार आप नीचे नज़र डालोगे तो देख सकते हो कितना गहरा है। और यहाँ पर पर्यटक लोग आते रहते हैं और यहाँ पर
दिन में ऐसा नहीं होता कि 100-150 से ज़्यादा पर्यटक ना आए। तो राजस्थान सरकार ने यहाँ को, यहाँ पर इस पर्यटकों की नज़र से देखते हुए यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर मरम्मत वगैरह करवा दी गई है, क्योंकि ये जो बावड़ी बनी हुई है इसकी स्थापना 1765 से लेकर के इसका जो काम चालू हुआ था, और 18वीं शताब्दी तक इसका कार्य पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया था, और यहाँ पर आज के समय में काफ़ी शानदार लगता है। लेकिन उस समय पर धीरे धीरे यह क्षतिग्रस्त होता जा रहा था, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए इसका काम करवाया है। और अब मैं आप लोगों को इसके नीचे लेके चलूँगा थोड़ी देर से, यहाँ पर जो कक्ष बने हुए हैं मैं आप लोगों को वो कक्ष दिखा दूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, राजस्थान जो शैली है यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से मेहरावदार जो द्वार होते हैं और यहाँ पर कलाकृतियाँ होती हैं, नक्काशियाँ वगैरह वो यहाँ पर निकाली जाती थी। एक बार यहाँ से आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा नज़र डाल सकते हो कितना ज़्यादा गहरा है। यहाँ से अभी पूरी तरीके से हमारे कैमरे में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे चल के हम इसके अंदर ले कर चलेंगे और आप लोगों को इस बावड़ी से रहस्यमय रूबरू कराएंगे पूरी तरीके से। तो यहाँ से आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं इस बावड़ी के पूरे, जहाँ पर गहरा है जो इसका मेन बावड़ी का मतलब 9वां मंजिल है, उसके ऊपर ही हम लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग एक बार सामने नज़र डालोगे यहाँ से, तो आप लोगों को पूरी सीढ़ियाँ भी दिखेंगी और जो यहाँ के जो मेहराव बने हुए हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अब हम इसके नीचे भी चलेंगे तो आप लोगों को यहाँ से हम लेकर चलते हैं। जैसा कि मेरा मकसद है इस बावड़ी के एक एक रहस्य से रूबरू कराना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को यहाँ के जो पहले सभी कक्ष वगैरह बने हुए हैं उन कक्षों से रूबरू करा दूँ, उसके बाद फिर बावड़ी के अंदर लेके चलूँ। तो अब हम चलते हैं नीचे और आप लोगों को बावड़ी के अंदर लेकर चलेंगे। तो यहाँ से आप लोग इस साइड भी एक बार नज़र डालोगे तो कितना भारी विशाल दीवारें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ के राजा जो टोडरमल थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी और इसको बनवाया था। और माना जाता है कि इस बावड़ी के अंदर एक ऐसी रहस्यमय सुरंग है जहाँ से जो यहाँ के राजा थे उनके महल से यहाँ की दूरी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से उसी सुरंग की मदद से वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आया करते थे वहीं यहाँ की राजा और रानियाँ। तो आप लोगों को वो सुरंग भी मैं दिखाऊंगा और इस बावड़ी के अंदर की जो 130 सीढ़ियाँ हैं उनकी मदद से उस बावड़ी को भी दिखाऊंगा। और आज भी उस बावड़ी में पानी भरा हुआ है, तो काफ़ी गहरी बावड़ी है। तो हम अब चलेंगे और आप लोगों को उस बावड़ी का पूरा रहस्य दिखाएंगे और उससे रूबरू कराएंगे। तो गाइस यहाँ से हम लोग आप लोगों को ये कक्ष वगैरह दिखा चुके हैं, अब हम चलेंगे उसके नीचे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये जो डस्टबिन वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने इसलिए रखवा दिए हैं कि यहाँ पर जो पर्यटक लोग आते हैं वो यहाँ पर गंदगी ना फैलाएँ, यहाँ वहाँ कचरा ना डालें, डस्टबिन में प्रॉपर तरीके से उसको डाल दें, ताकि जो यहाँ की टीम आती है वो सफाई कर्मी जो लोग होते हैं वो उनको आराम से उठा करके फेंक दें। तो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ नक्काशियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो राजस्थानी शैली में उभारी गई हैं, जो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिख जाएंगे। तो इसके बाद अब हम आप लोगों को लेकर चलेंगे यहाँ से बावड़ी के नीचे और यहाँ पर दिखाएंगे आप लोगों को बावड़ी के नीचे का रहस्य। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो इन सीढ़ियों की मदद से हम चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का रहस्य। तो गाइस जैसा कि गाइस आप लोग देख सकते हो यही वो सीढ़ियाँ हैं जो तकरीबन यहाँ से 130 सीढ़ियाँ हमें नीचे चलकर जाना है और उनकी मदद से हम आप लोगों को इस बावड़ी को दिखाएंगे। तो गाइस चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ की जो बावड़ी बनी हुई है। तो गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो कितना ऐतिहासिक दृश्य आप लोगों को दिख रहा है और कुछ डरावना भी लग रहा है गाइस, क्योंकि इसके जितने ही अंदर जाते जाओगे आप लोगों को सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ दिखेंगी और यहाँ पर ही यहाँ के जो राजा हुआ करते थे वो स्नान करने आया करते थे। और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर एक मेला लगता है जो कि अप्रैल के माह में लगता है। तो यहाँ पर कुछ स्थितियाँ ऐसी बनी थी जिस स्थितियों को आप लोगों को तो बता दूं मैं, यहाँ पर मेले के समय में कुछ लोगों ने लापरवाही कर दी थी तो यहाँ पर कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं और यहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु वगैरह भी हुई है। तो इस वजह से जो बावड़ी का बिल्कुल नीचे का हिस्सा है वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ वगैरह लगा दी हैं, शायद हो सकता है इसी कारण से वो लकड़ियाँ लगी हूँ। तो मैं अब आप लोगों को इसके अंदर ले कर चलूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा यहाँ के रहस्य को। गाइस यहाँ से आप लोग देख ही सकते हो कितना शानदार दृश्य है जो हमें पूरी तरीके से दिखता है, प्रॉपर तरीके से आप लोग नज़र डाल ही सकते हो कितना
शानदार तरीके से जो यहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग होंगे, जो यहाँ पर जिन्होंने बावड़ी बनाई होगी, कितनी मेहनत करके इस बावड़ी को बनाया होगा। आप लोग देख सकते हो पूरा 9 मंजिला ये बावड़ी है और हम बिल्कुल लास्ट तक चलेंगे और आप लोगों को बिल्कुल अंदर का दृश्य दिखाएंगे। तो चलते हैं हम और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का, लोगों को इस बावड़ी के रहस्य से करवाते हैं रूबरू। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ पर जो आप मेहरावदार जो द्वार देख रहे हो, काफ़ी विशाल द्वार हैं और हम लोग जैसे ही इसके अंदर चलते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, तो ये जो द्वारों की जो ऊंचाई है धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो हम अब चल रहे हैं और आप लोगों को इसके अंदर दिखाएंगे। तो यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और देखने के लिए भी और घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसके ऊपर आप लोगों को चल के दिखाएंगे। यहाँ से देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रिस्की वाला ये रास्ता है और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे ये आप लोग देख रहे हो सकता है उस समय जब इस पानी का यहाँ पर लेवल बढ़ जाता होगा तो यहाँ जैसे स्नान वगैरह करने के लिए राजा जो रानियाँ आती होगी तो इनकी मदद से वो कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए हो सकता है, या फिर यहाँ से पानी वगैरह नहाने के लिए व्यवस्थाएँ होंगी, क्योंकि ये जो झरोके बने हुए हैं इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं और यहाँ पर बैठ के आराम से वो लोग स्नान वगैरह करते होंगे या फिर किसी और तरीके और इस चीज़ के लिए बनाए गए हों। प्रॉपर मुझे इसकी जानकारी नहीं है गाइस, तो आप लोगों को देखना है और इस वीडियो को सपोर्ट करना है। तो गाइस यहां से आप लोग देख सकते हो, थोड़ा संभल कर आना क्योंकि आप लोग, मैं यहां से बिल्कुल आराम से जा रहा हूं गाइस। ये आप झरोका देख रहे हो और यहां से देख सकते हो कितना ज़्यादा रिस्की ये बावड़ी का दृश्य आप लोगों को दिख रहा है। हम अपनी पूरी रिस्क के ऊपर यहाँ से जा रहे हैं और एक गलती आप समझ सकते हो नीचे कितना गहरा है। तो जैसा कि मैंने सोचा कि आप लोगों को इस बावड़ी के जो एक एक रहस्य है उससे मैं आपको रूबरू कराऊं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इस बावड़ी का खौफनाक मंजर, कितना ख़तरनाक और कितनी गहरी ये बावड़ी है और इसके अंदर से ही वो, दिखाओ थोड़ा इसको, इसके अंदर से ही थोड़ी वो गुफा है जो इसके अंदर से ही जाती थी, जहाँ से राजा महाराजा जो राजा टोडरमल थे, मान सिंह थे, इस महल से यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर वो महल बना है, वहाँ से उस गुफा की मदद से इस बावड़ी के अंदर ही वो स्नान करने आया करते थे। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो सामने जो आप लोगों को कक्ष बने हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर ही वो राजा और रानियाँ अपने वस्त्र वगैरह बदला करती थीं। और यहाँ पर ऐसा मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पर जो आप लोगों को ये कक्ष दिख रहे हैं, इनके ही अंदर से एक वो सुरंग गई हुई है जहाँ पर सीधा इस यहाँ के जो ये जो नीम राणा का महल है, काफ़ी विशाल दुर्ग है, वहाँ के लिए रास्ता जाता है। तो गाइस आप सामने देख सकते हो एक इतना बड़ा विशाल कुआं है, उसके पास हम आप लोगों को लेकर चलते, लेकिन उसको हम ऊपर से दिखाएंगे क्योंकि गाइस वहाँ पर चमगादड़ों का काफ़ी ज़्यादा आतंक है, इस वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं नीचे और आप लोगों को बावड़ी के बिल्कुल अंदर चल के हम दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो उस झरोकों की मदद से हमें बड़ा सावधान होकर के यहाँ से चलना पड़ेगा, क्योंकि गाइस रिस्क हम आप लोगों के लिए ले रहे हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और गाइस दोस्तों में शेयर भी करना है, क्योंकि गाइस आप देख सोच सकते हो मैं मध्य प्रदेश से कितने दूर राजस्थान आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को पुराने जो दुर्ग वगैरह हैं, जो हमारी प्राचीन धरोहरें हैं और राजस्थान का राजपूताना जो इतिहास है, उससे मैं आप लोगों को रूबरू करा सकूँ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो वो बावड़ी, जो यहाँ की रहस्यमय बावड़ी और काफ़ी ज़्यादा गहरी है। और यहाँ पर कुछ वीडियो में मैंने ऐसा देखा है कि एक समय में यहाँ पूरी बारात जो थी वो इसमें समा गई थी, जो यहाँ पर बारात आई थी, लेकिन मैं अपनी वीडियो में इस चीज़ का दावा नहीं करता हूँ। मैंने एक वीडियो में देखा था कि इस बावड़ी में जो एक बारात थी वो पूरी की पूरी बारात यहाँ पर समा गई थी। तो गाइस यहाँ से आप लोग देख सकते हो ऊपर का दृश्य, 1, 2, 3, 4 हम लोग 4th मंजिल पर इसके नीचे आ चुके हैं। अब हम लेकर चलेंगे यहाँ से 5 मंजिल नीचे, और जो कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ से 9 मंजिल गहरी ये बावड़ी है, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा। उससे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे हम लोग नीचे आते जा रहे हैं, इसका रास्ता सकड़ा होता जा रहा है और जो मेहराव देख रहे हो आप, ये बिल्कुल छोटे होते जा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग ऊपर डालोगे एक बार नज़र तो कितना शानदार दृश्य और कितना रहस्यमय दृश्य हमें देखने को मिल रहा होगा। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर बावड़ी के बिल्कुल निचले हिस्से में। तो यहाँ से आपको मैं
बावड़ी का वो दृश्य भी दिखाऊंगा जो यहाँ पर है। तो गाइस यहाँ देख सकते हो आप लोग, यही वो बावड़ी है जैसा कि मैंने आपको बताया है, कितनी गहरी बावड़ी, और आज भी इसके अंदर काफ़ी विशाल जो पानी है इसमें भरा हुआ है। ये पानी उसके उस साइड जो काफ़ी गहरा 300 से 350 फुट गहरा कुआ है, जो कि मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा अंदर चल आगे चल करके। तो अब मैं इसके थोड़ा सा नीचे चलता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं इस बावड़ी को बिल्कुल नीचे से। तो गाइस यहां पर जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है आप लोगों के लिए, मैं थोड़ी रिस्क लेता हूँ और आप लोगों को इस बावड़ी का दृश्य दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा गहरा है ये। तो गाइस यहाँ से आप लोग नज़र डालोगे एक बार बावड़ी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गहरी ये बावड़ी है, और हम इस बावड़ी के बिल्कुल अंदर चल के आप लोगों को दिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको गाइस बताया ही, मध्य प्रदेश से इसकी दूरी तकरीबन 670-680 किलोमीटर दूर है, जो कि मैं पहली बार आया हूँ राजस्थान। तो आप लोगों को इस वीडियो को सपोर्ट करना है और प्यार देना है, तो आराम से आप नीचे आना और यहाँ से यहाँ पर ही खड़े हो जाना और मैं वहाँ से आप दिखा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये बावड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ से गहरी है, और इसके एक बार आप लोग इसमें नज़र डालोगे तो कितना विशाल मंजर है। और यहाँ पर जब राजा महाराजा लोग आते होंगे यहाँ पर स्नान करने के लिए, तो इसके जो सामने आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ कहीं से वो सुरंग गई है, जो डायरेक्टली जो यहाँ का महल था वहाँ के लिए इसकी सुरंग जाती थी, जो यहाँ के राजा थे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर जैसा कि मैंने आपको बताया वो महल है, और आज भी इस बावड़ी के अंदर पानी भरा हुआ है। और यहाँ से एक बार आप लोग ऊपर नज़र डालोगे तो आप लोगों को देखने में बिल्कुल कुएं से काफ़ी ज़्यादा गहरी है बावड़ी आप लोगों को दिखेगी, जो कि नीमराणा में स्थित है, राजस्थान के अलवर ज़िले में। और अब हम यहाँ से आप लोगों को चारों ओर दिखा ही चुके हैं, अब हम लेकर चलेंगे आप लोगों को उस कुएं में जो यहाँ पर कुआं बना हुआ है। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने की वजह से अब मैं वो कुआं जो है आप लोगों को दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो गाइस तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस आप लोग समझ ही सकते हो मैं कितने दूर मध्य प्रदेश से जो राजस्थान का मेरा सफ़र है ये स्टार्ट हुआ है, और आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों का प्यार मिलता है तो मैं और भी काफ़ी ज़्यादा राजस्थान के जो बड़े बड़े यहाँ के जो फोर्ट वगैरह हैं, यहाँ के रहस्य हैं, जो बड़े बड़े यहाँ के राजपूतों के महल हुआ करते थे उनसे रूबरू कराऊंगा और आप लोगों को राजस्थान का पूरा राजपूताना इतिहास दिखाऊंगा। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो को आप लोग देख ही चुके हो इस बावड़ी को, तो अब कर दो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।